हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। तो फ्रेंड्स, आज आपसे बात करूंगा मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड के बारे में। तो मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मेरा भी मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है तो वो चलती नहीं है, या फिर कस्टमर नहीं आते हैं, या फिर मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है। तो आपको पता है फ्रेंड, इस फील्ड में मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिशन हो गया है, जिसकी वजह से ये शॉप खोलना भी अब मुश्किल हो गया है। अगर खोलते हैं तो महीने, दो महीने, छः महीने, साल में वो हमें बंद करना पड़ता है, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है। और दूसरी बात कि जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले भी आजकल कुछ ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार हम 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, इससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगी फ्रेंड, 20 हज़ार से आगे मुश्किल है मिलना। तो कब तक हम इसमें जॉब करेंगे? और अगर हमने इतना पैसा खर्च करके हमने कोर्स किया है, 6 महीने का, मान लो हमने 20-25 हज़ार रुपये का हमने कोर्स कर लिया, तो अगर कोर्स किया तो सीखा, लेकिन कब तक हम इसमें जॉब करेंगे? अगर इसमें खुद का बिजनेस खोलो तभी इसमें फ़ायदा है फ्रेंड। जब 20 हज़ार लगा लो, 20 हज़ार तुम आप डबल एक महीने कमाओगे, लेकिन जॉब में नहीं कमाओगे। तो अब क्या है कि अगर आप करते हो तो आप बिजनेस, तो बिजनेस में ये है कि मार्केट को देख के आप रुक जाते हो, या इतना मार्केट में कॉम्पिटिशन हो रहा है कैसे कर सकते हैं। थोड़े बहुत मैं आपको इसमें आइडिया दूंगा जिससे कि आप बिजनेस कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको कुछ आइडिया दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अगर आप कोर्स करते हो मोबाइल रिपेयरिंग का, कोर्स करो, उसके बाद अगर जॉब करने जाते हो, कोर्स करोगे तो फ्रेंड सबसे पहले आपको जॉब करनी पड़ेगी। वो जॉब इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपको सिर्फ कोर्स में सिर्फ रिपेयरिंग ही सिखाई गई है, मोबाइल रिपेयरिंग की रिपेयरिंग ही सिखाई गई है, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं सिखाया। अगर आपको वहीं पर अगर कुछ और सिखाया जाए तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप बिजनेस खोल सकते हो। और वो कैसे खोल सकते हो, देखिए कि आपको जो रिपेयरिंग कोर्स करते हो वहाँ पर आपको रिपेयरिंग सिखाई गई है। और दुकान खोलने के लिए फ्रेंड मेन चीज़ है वहाँ पे मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर्स हैंडल कैसे करने पड़ते हैं, और ये मार्केट में माल ये लोग कहाँ से लेके आते हैं, स्पेयर पार्ट जो है कहाँ से कितने किराया प्राइस मिलते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट की नॉलेज हमें अलग से लेनी पड़ती है, और मार्केट की नॉलेज फ्रेंड आपको जॉब करके मिलेगी, आपको इंस्टीट्यूट में या कोर्स में कहीं मार्केटिंग की सिखाई नहीं जाएगी, तो आपके फुल टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो फ्रेंड कोर्स करना तो फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट है। अगर वही 6 महीने आप अपने खुद से यूट्यूब द्वारा सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, या फिर अपने प्रैक्टिकल करके सीख सकते हो, ठीक है, उससे आपका टाइम बचेगा। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप जॉब करोगे, जॉब करके अगर ये काम सीखते हो तो आपके लिए और अच्छा है। वो किस लिए, क्योंकि आप जॉब करोगे, जॉब के साथ आपको पहली बात तो जॉब के साथ आपको हर तरह के फोन ठीक करने को मिलेंगे, और दूसरा आपको मार्केटिंग के बारे में पता लगेगा कि मार्केट में कौन कैसे काम कर रहा है, कितने रेट पे काम कर रहा है, ये भी आपको मिलेगी। तीसरा कि वो ये जो मार्केट में जो स्पेयर पार्ट लेके आते हैं ये लोग कहाँ से लाते हैं, कितने का लाते हैं, ठीक है। और ये भी सीखोगे, और ये भी सीखोगे मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर जो बैठे हुए हैं मार्केट में, तो वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, हम कितने पे कर रहे हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं कि हमारा मालिक कितने पे करता है, ये इसका मालिक कितने पे करता है, तो ये भी हमें आइडिया मिल गया। तो आप सोचिए कि अगर कोर्स करोगे 6 महीने में आप वहाँ सीखोगे, या फिर 6 महीने जॉब करोगे वहाँ सीखोगे, तो अब मैं आपको आप समझ गए होगे कि जो अंतर आपको मिल रहा है इसके अंदर बिजनेस करने में, तो आपको मार्केट की शॉप से ही मिलेगा अगर जॉब करोगे तो, ठीक है, कोर्स में नहीं मिलेगा। कोर्स को आप साइड कर दीजिए, कोर्स में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का फिर एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अब देखो तो मैं तो फिलहाल अपना ऑनलाइन सिस्टम पूरी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में चलाता हूँ, अच्छी खास चल रहा है फिलहाल, तो उसी के बेस पे बोल रहा हूँ। तो मैं भी आके एक जॉब शॉप खोलूँगा, तो अभी थोड़ा रुक के खोलूँगा। तो अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको शॉप खोलनी है तो किस, अगर आपने कोर्स कर लिया, जॉब कर लिया, आपको आइडिया मिल गया हाँ ऐसे काम होता है, तो कैसे आपको काम जॉब शॉप खोलनी है, तो शॉप के लिए फिर सबसे पहले आपको वहाँ शॉप नहीं खोलनी है जहाँ पे पहले से ही शॉप ऑलरेडी खुली हुई है, जहाँ पे एक मार्केट में 10 दुकानें 20 दुकानें, तो आपको वहाँ शॉप खोलनी है कि आप देखिए कि आपकी जो मार्केट नियर बाय मार्केट है वहाँ पे मोबाइल की शॉप कितनी है। अगर वहाँ पे 2-3 शॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खोल सकते हो, चलेगा काम आपका। अगर वह ज़्यादा है तो नहीं खोल सकते। तो अगर आप और अगर आप शॉप खोलते हो तो मान लो कोई जिसकी शॉप अभी चल रही है उनके बेस पे बताऊँ, तो वो ज़रूरी नहीं कि उनके पास दोनों साल भर से शॉप खोली हुई है कि वो उनकी दुकान नहीं चल रही है, कस्टमर कम आ रहे हैं। तो कस्टमर फ्रेंड इसलिए कम आते हैं क्योंकि आपकी जो मार्केटिंग है, जो आप मार्केटिंग करते हो, इस तरह से ब्रांडिंग करते हो, या कस्टमर किसी से बात कर कस्टमर से बात करते हो, उनके काम करते हो, कैसे उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अपने बिजनेस में। अगर हमने मोबाइल की शॉप खोल ली, हमें लगा हमें सिर्फ पैसे कमाने हैं, हमें काम करना है जैसा मर्जी हो, कस्टमर को चीप दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने काम में सिर्फ कस्टमर को की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि वो इस काम से खुश हो गया कि नहीं, ओके, जैसा वो कहता है हमें उसकी डिमांड पर काम करना पड़ेगा। कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ कमाने को सोचते हैं कि यार जो कस्टमर आगे काट लो उसको, ऐसा नहीं है।
आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर कस्टमर अगर आपको पता है कि मेरे को इस काम के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ पैसे कस्टमर की डिमांड पर कम भी कर दें, डिस्काउंट दे दें अपनी तरफ से, तो कस्टमर खुश हो जाएगा और अगली बार भी वो आपसे काम कराएगा। अगर उसका काम एक अच्छा हो गया और कम पैसे में हो गया और बढ़िया हो गया, तो अगले को भी वो रेफर करेगा, हाँ उस फलाने से काम कराओ। तो इस चक्कर में आपका थोड़ा काम बढ़ेगा। अगर एक कस्टमर ख़राब हुआ, देखिए आपने उससे ज़्यादा पैसे लिए, काम भी अच्छा नहीं हुआ, काम हुआ ही नहीं, आपने से पैसे ले लिए, तो अगली बार से ना वो आएगा और ना ही किसी को रेफर करेगा। और दूसरी बार अगर बिजनेस चलाना है, फिर अपनी दुकान चलानी है, तो उसमें आपको कस्टमर को कस्टमर के दिमाग के मुताबिक, उनकी खुशी के मुताबिक ही आपको काम करना पड़ेगा। जिससे वो खुश होगा तो खुद भी आएगा और दूसरों को भी लेके आएगा और चारों को और लेके आएगा, तो ऐसे आपका काम बढ़ेगा। तो मार्केट में फ्रेंड इसी वजह से ही काम चलेगा। अगर आप मार्केट में यह मत देखो कि मैंने यार मोबाइल बहुत सारे भर लिए, मैंने रिपेयरिंग बहुत सारी ब्रांडिंग कर ली, बहुत तरह तरह के मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे। जब फ्रेंड कस्टमर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो आपके कस्टमर जो आ रहे हैं उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से आपके पास कस्टमर आएंगे। थोड़ा फ्रेंड जो थोड़ा थोड़ा तो डिपेंड करता है आपकी शॉप पे, वो थोड़ा ब्रांडिंग से करता है कि आपकी ब्रांडिंग अगर अच्छी होगी तो कस्टमर खुद की नज़र उनकी नज़र जाएगी चीज़ पे, तो वो अंदर आएंगे आपसे बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी वो फ़ोन की स्क्रीन वगैरह लगवाता है आपसे, आपको पता है मार्केट में इतने की मिल रही है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, कस्टमर मना नहीं कर रहा, वो लगवाएगा, लोग लगवा रहा है, लेकिन जब लगवा रहा है तब भी वो कस्टमर बोल रहा है कुछ डिस्काउंट कर दो, तो आपको पता है कि मार्जिन मेरा बहुत अच्छा खासा है, कोई बात नहीं, हम सर कोई दो जो भी होगा 200-300 हम अपने सबसे कर देंगे, फिर भी आपको उसमें घाटा नहीं है, आपको फ़ायदा है, तो कर दीजिए। इससे क्या वो कस्टमर भी खुश हो गया और आपका कस्टमर बन भी गया, आगे को भी चार को रेफर करेगा और दो और घर में जी भी फ़ोन होंगे वो भी लेके आएगा। तो इस ऐसे थोड़ी मार्केटिंग आपकी दुकान जो है चल जाएगी। और इसमें देखिए बहुत से लगता है कि लोगों को कि इसमें करियर नहीं है, लेकिन इसमें फैन करियर बहुत अभी बड़ा है। ऐसा नहीं कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि फ़ोन कभी टूटेंगे ही नहीं, कभी ख़राब होंगे ही नहीं, ऐसा कुछ जितना भी ऐसे फ़ोन आ जाए कि वो ख़राब होंगे, सब के सब फ़ोन ख़राब होंगे, ऐसा नहीं कि फैन अगर आप अगर मान लो जैसे कि अभी फ़ोन आए हैं सैमसंग के S10 Plus आ गए हैं, iPhone 11 Pro है, iPhone X है, इनको ये मानते हैं कि फ़ोन थोड़े रिस्की होते हैं, महंगे फ़ोन है, तो ज़रूर छोड़ना है कि फ्रेंड आपको एक काम कर ही लेना है, ऐसा नहीं है कि काम करने और आपको एक काम करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, अगर आपके पास ये जैसे मान लें आपके पास iPhone XS Max आता है, तो उसको आप जरूरी नहीं कि आप उस कस्टमर से बस उसको ले लीजिए, अगर उसकी स्क्रीन टूट रही है, कोई फॉल्ट है, कुछ भी है, तो आप अगर आपको पता है कि वो काम मैंने नहीं किया तो आप उसको ले लीजिए, मना मत करिए, क्योंकि उन्हीं फ़ोन में कमाई भी है और कस्टमर बना है, ठीक है। तो आपको वो फ़ोन रख लेना है, रखने के बाद आपको बोलना ठीक है हो जाएगा, अपने टाइम देंगे, तो आप उस फ़ोन को अपने किसी रिलेटिव या किसी भी जान पहचान बड़े इंजीनियर से उसको ठीक करवाइए, ठीक करवा के उसको आगे दे आइए, तो उसको आप रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें मिल जाएगा, बिना काम की आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा, जिससे कि वो कस्टमर भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे, जैसे कि वो कस्टमर अगली बार भी दूसरे कस्टमर को लेके आएगा। तो इस तरह से कुछ आप मार्केटिंग करोगे तभी फायदा होगा, ओके। तो इस तरह से फिर भाई हम कुछ कह सकते हैं कि मार्केटिंग करनी है चलानी है तो ऐसे ही काम होगा। अगर आप महंगे फ़ोन से नहीं लोगे, महंगे फ़ोन नहीं रखोगे, तो आपको महंगे फ़ोन रखो, सब फ़ोन रख ले लो कस्टमर से, ताकि कस्टमर जाए ना, वो बस आपके ऊपर ट्रस्ट करके दुकान में आपके आए कि हाँ इनकी जैसी ब्रांडिंग है, ऐसा ही तो काम होगा। तो आप फ़ोन ले लीजिए, उसको टाइम दे दीजिए और उसी टाइम में आप किसी और से करवा के लाइए और बाकी उसको ला के दे दीजिए, तो इससे भाई उसका मतलब काम है कि सही हो जाएगा, तो वो खुश हो जाएगा, ओके। तो मैंने आपको अभी बताया कि बिजनेस अगर आपको शॉप चलानी है, शॉप के लिए क्या करना पड़ेगा, तो शॉप के लिए यही आइडिया है कि फ्रेंड आप कस्टमर और मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आपको अगर शॉप के बारे में कुछ सीखना है तो आप सीधा सबसे पहले जॉब करिए, जॉब पे से मार्केटिंग की शॉप की नॉलेज उठाइए और अपने बिजनेस में लगा दीजिए, सबसे बढ़िया आइडिया। कोर्स को तो बात ही नहीं है, मैं कोर्स को तो साइड कर दीजिए, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ करके टाइम वेस्ट है। और जो जॉब करते हैं फ्रेंड, जॉब के लिए मैं ये बता सकता हूँ, आप जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, फिर जॉब करो, जॉब करते रहो, लेकिन जॉब के साथ आप कुछ ऐसे भी माइंड सेट दिमाग लगाओ कि मैं इस लेवल से उस लेवल पर जाऊँ। अगर आप रिपेयरिंग करोगे, सिर्फ छोटे मोटे रिपेयरिंग करते हो, उसमें आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अगर आपको 20,000 के लेवल पर जाना, तो आप ग्लास चेंज होते हैं उनको सीखना पड़ेगा, बाकी बड़े फ़ोन जो होते हैं एक्सेस मैक्स जैसे, आईफोन एक्स जैसे मॉडल, बड़े मॉडल उनको ठीक करना पड़ेगा, तब आप कुछ अलग से कर सकते हो, अलग कामयाब हो सकते हो। और इसी चीज़ से फ्रेंड आप इस लाइन को आगे कर सकते हो, अगर इस क्योंकि वैसे फ्रेंड इस लाइन में आपको मैंने बता चुका हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन तो है, लेकिन काम हर कोई नहीं करता, जो मार्केट में आजकल फ़ोन आ रहे हैं वो भी आगे से ही कराते हैं।
तो इसलिए आप भी ऐसे कुछ करिए जहाँ मार्केट में मोबाइल की शॉप कम हो वहाँ शॉप खोलिए। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब जब तक करिए तब तक आप पूरे तरह से मतलब बड़े अच्छे इंजीनियर नहीं बन जाते हैं। तो इस तरह से आप मोबाइल की फील्ड को समझ के ये काम कर सकते हो। और थोड़ा मैं अगर अपना बिजनेस करना चाहते हो उसमें कस्टमर को ज़रूर समझिए, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझिए, कस्टमर की इच्छाएं क्या हैं, कस्टमर क्या चाहता है, किस हिसाब से चाहता है, उससे ध्यान रखिए। क्योंकि एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर लाएगा और वो 10 कस्टमर आपको 20 कस्टमर लाएंगे, जिससे आपका दुकान और बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा धीरे 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 ही सही फ्रेंड। लेकिन वो कस्टमर अगर खुश होगा तो वो 2 को भेजेगा, 2 खुश होंगे 4 को भेजेगा, वो औरों को भेजेगा। इस वजह से आप इस काम को पूरा कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आज इस वीडियो में आपको जो बताया है मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के बारे में आप समझ गए होंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिलहाल अभी फ्रेंड मेरे वीडियो काफ़ी लेट आते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने थोड़ा बिजनेस को सेटल करने में बिजी हूँ, थोड़ा घर के फैमिली मैटर में बिजी हूँ थोड़ा, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। बाकी कॉलिंग तो आती है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, मिलता है टाइम। ओके, जिसका नहीं उठा पाता फ्रेंड सॉरी, मैं कुछ थोड़ा बिजी रहता हूँ चक्कर में। ओके, थैंक यू।